साल पहले हम लगभग 8 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगाते थे। अब ये घटकर 2 बिलियन डॉलर हो गया है, 8 बिलियन से 2 बिलियन पर आ गए। 7 साल पहले भारत सिर्फ 0.3 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करता था, अब ये बढ़कर 3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़ी एक और समस्या को सुलझाने के लिए भी सरकार का फोकस है। देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, फिर उसके टाइम और कॉस्ट कम करना, ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की प्राथमिकता रही और रहनी चाहिए। इसके लिए चाहे पॉलिसी डिसीजन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, हर स्तर पर हमें काम और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। आज हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने सुना, बांग्लादेश ने अनुभव बताया कि अब रेलवे मार्ग से जब चीजें जाने लगी हैं तो एकदम से बढ़ोतरी होने लगी है। फ्रेंड्स, सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किया जा रहा है पैंडेमिक के इंपैक्ट को कम से कम, उसका इंपैक्ट कैसे हो। हमारी ये पूरी कोशिश है कि वायरस संक्रमण नियंत्रण में रहे। देश में आज वैक्सीनेशन का काम तेज गति से चल रहा है। देशवासियों और इंडस्ट्री की हर जरूरत, हर परेशानी को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं। बीते समय में किए गए प्रयासों का रिजल्ट आज आप भी अनुभव कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री ने, हमारे बिजनेस ने भी इस दौरान इनोवेट किया है, नई चैलेंजेस के हिसाब से खुद को ढाला है। इंडस्ट्री ने देश को मेडिकल इमरजेंसी से निपटने में भी मदद की और ग्रोथ को रिवाइव करने में भी भूमिका निभाई। यही कारण है कि आज ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में भी हमारे एक्सपोर्ट नए स्तर पर पहुंचे हैं। आज हम अर्थव्यवस्था में रिकवरी के ही नहीं बल्कि हाई ग्रोथ को लेकर भी पॉजिटिव साइंस देख रहे हैं। दुनिया की अनेक बड़ी इकोनॉमीज में भी तेजी से रिकवर होने के संकेत आ रहे हैं। इसलिए एक्सपोर्ट को लेकर बड़े टारगेट्स रखने और उनको हासिल करने का, मैं समझता हूं, ये बेहतर समय है। इसके लिए भी सरकार हर स्तर पर जरूरी कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में हमारे एक्सपोर्टर्स को इंश्योरेंस कवर के रूप में लगभग 88,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिलेगा, 88,000 करोड़ रुपए का बूस्ट। इसी प्रकार एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को रेशनलाइज करने में WTO कंप्लायंट, इसको बनाने से भी हमारे एक्सपोर्ट को बल मिलेगा। साथियों, दुनिया के अलग अलग देशों में बिजनेस करने वाले हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि स्टेबिलिटी का कितना बड़ा प्रभाव होता है। भारत ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से मुक्ति का जो फैसला लिया है वो हमारा कमिटमेंट दिखाता है, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी दिखाता है। ये सभी निवेशकों को स्पष्ट संदेश देता है
कि आगे बढ़ता हुआ भारत न सिर्फ नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है बल्कि भारत की निर्णायक सरकार अपने वायदे भी पूरे करने की इच्छा शक्ति रखती है। फ्रेंड्स, निर्यात से जुड़े हमारे जो भी टारगेट हैं, जो भी हमारे रिफॉर्म्स हैं, उनमें देश के हर राज्य की बहुत बड़ी भागीदारी है। इन्वेस्टमेंट हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें राज्यों का रोल बहुत अहम है। निर्यात हो या निवेश, इसको बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी बर्डन कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। राज्यों में एक्सपोर्ट हब्स बने, इसके लिए एक हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट किया जा रहा है। हर जिले में किसी एक प्रोडक्ट पर फोकस करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, निर्यात को लेकर हमारा एम्बिशियस टारगेट एक होलिस्टिक और डिटेल एक्शन प्लान में से ही अचीव हो सकता है। हमें अपने मौजूदा निर्यात को भी तेज करना है और नए प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट, नए डेस्टिनेशंस तैयार करने के लिए भी काम करना है। और मैं आपको कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। हमारे जो मिशंस हैं, वे ये तय कर सकते हैं कि आज जिस देश में वो है, बहुत छोटे देश हैं तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी देशों में अगर आज किसी मानो तीन स्थान पर ही भारत का माल जा रहा है, तीन ही डेस्टिनेशन है, क्या इस आजादी के 75 वर्ष के निमित्त हम पांच नए डेस्टिनेशन उसके साथ जोड़ सकते हैं जहां पर भारत से कुछ न कुछ आता होगा? मैं समझता हूं कर सकते हैं। क्या हमारे मिशंस आजादी के 75 साल के निमित्त ये तय कर सकते हैं कि हमारे देश में भारत से कम अभी जो चीजें आती है उसे अतिरिक्त नई 75 प्रोडक्ट हम हमारे देश में, जहां हम मिशन में काम कर रहे हैं, उस देश में ले जाएंगे? उसी प्रकार से वहां जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, हमने देखा है पिछले 7 साल में बहुत प्रोएक्टिव हुआ है। एक प्रकार से कंधा मिलाकर के काम करने में आप लोगों के प्रयत्न से जुड़ा है। हम राज्यवार हम डायस्पोरा के कुछ गुट बनाएं और इस आजादी के 75 साल के वर्ष में उनके रिस्पेक्टिव राज्य के साथ इसी एक विषय को लेकर के, एक्सपोर्ट के विषय को लेकर के वर्चुअल समिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार सरकार ऑर्गेनाइज करे, भारत सरकार भी हो, बिहार से जो चीजें एक्सपोर्ट होती है उसके सारे एक्सपोर्टर्स हो। कैसे